हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय टू न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। जैसा कि छोटों को राम राम, बड़ों को प्रणाम, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम गए हुए गणनाथ, गणनाथ का सुंदर सा भी दिखाएंगे। अभी जो ये नया कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, लगभग पूर्ण होने वाला है। यहाँ का सुंदर सा आप जबरदस्त सभी गणनाथ का देख सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकालीन हमने अपना मतदान किया। मतदान करने के बाद हम सीधे आ गए गणनाथ, गणनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ से दर्शन करके जाएंगे। अब आपको आगे फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ सुंदर सा। तो सभी लोग आए हुए हैं आज महादेव के वहाँ दर्शन करने के लिए। अपना अपना मतदान करके सभी लोग यहाँ पर महादेव के श्री चरणों में भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। इसके बाद अभी जाएंगे मल्लिका को, हमारे संजीदा बैठे हुए मस्त तरीके से, और यहाँ पर हमारे बाबा जी हैं आनंद से। अभी सब लोग मतदान करेंगे, जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे, बाकी हम तो करके आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं हमारे तिवारी, तिवारी जी, बस वही रहेगा जी। हमारे दीपूदा भी आए हुए हैं महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। हरिओम हरिओम सर, कैसे हो सर? और आज महादेव जी के वहाँ दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के चलो चलो, मतदान हो गया सर आपका? मतदान अभी करेंगे वापस। चलो, सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उसके बाद भगवान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर मतदान करेंगे ये हम सब लोग। और मैं तो हाँ, भगवान के दर्शन करके सही, ये लोगों का कहना है कि मतलब एक अच्छा सा प्रभाव जो हमको अंदर से मिलेगा, परमात्मा की शक्ति मिलेगी, उस हिसाब से फिर हम वोट इत्यादि का अपना कार्य करेंगे। हम तो करके आ चुके हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। और ये बनाए यहाँ पर नया वाला जो बनाया, मैंने आपको दिखाया नहीं था पहले, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर मस्त तरीके से बन चुका है एंड जबरदस्त। हाँ, भयंकर विकास। और आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ आपको। चलो, बहुत दिन हो गए हैं महादेव के, आप मैंने आपको दर्शन नहीं कराए, तो आज मैं आपको महादेव जी के भी दर्शन करा दूँ। ये अष्टकुंड यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ का जैसा कि पहले मैंने दिखाया था, ये सब बंद हो चुका है पूरा चारों तरफ से। अभी इधर का भी नवनिर्माण कार्य होना है, पता नहीं इधर भी बहुत सारा कार्य होना है, वो भी फिर बाद में आपको दिखा जाएगा। नमो नारायण महाराज जी। और आजकल थोड़ा पानी, गर्मियों की वजह से पानी थोड़ा सूख गया है, कम हो गया है। महादेव जी के आप दर्शन करिए। हर हर महादेव, महादेव शंभु सभी बात पूरे, लपेटे जटाजुट खावे धतूरे। तो यहाँ के जो ये हैं गणनाथ जी, मुख्य लिंग है यहाँ का, तो यहीं पर ही पूजा पाठ इत्यादि का कार्यक्रम सब यहीं पर ही होता है। आप लोग सुंदर से प्रातःकालीन के दर्शन करिए, प्रातःकालीन पेला के दर्शन करिए गणनाथ धाम, गणनाथ धाम मंदिर के और भोलेनाथ के। भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बना करके रखे हैं। यह है कुंड, देख सकते हैं अभी भरा हुआ है। यहाँ पर हमारी माता रानी विराजमान है, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माता। और आगे का सुंदर सा व्यू आप देखिए, यहाँ पर हमारे भगवान विष्णु इत्यादि सभी देवता विराजमान हैं। यह शिव जी की, कहा जाता है कि यह भगवान शंकर जी की जटाएं हैं जो दिख रही हैं, इनको शंकर जी की जटाएं कहते हैं। बंद कर दिया है क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत तोड़ देते थे या बांध देते थे, तो इसलिए यहाँ पर जाली लगा करके बंद कर दिया था। आगे का सुंदर सा जबरदस्त सा भी और दिखाएंगे अभी आपको, जो भी होगा। इसके बाद हम मल्लिका जाएंगे। मल्लिका में परसों अच्छे से मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तो वीडियोस वगैरह भी आज सब आज ही बनाऊंगा बढ़िया मस्त तरीके से वहाँ की। और उस दिन भीड़ काफ़ी थी तो ऐसा समय मिल नहीं पाया। ठीक है, हर हर महादेव। तो फाइनली दोस्तों, हम जय मल्लिका माता, फाइनली हम मल्लिका माता रानी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो हम सभी भक्त लोग पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी की जय। सभी भक्तगण पहुंच चुके हैं, हमारे वर्मा जी, हमारे वर्मा जी और हमारे दीपूदा वर्मा जी, सभी लोग हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। माता रानी की जय, मल्लिका माता की जय। तो दोस्तों, फाइनली जैसे कि मैंने भी दिखाया आपको मल्लिका माता रानी का, आप देख सकते हैं सुंदर से चारों तरफ से।
बड़ा सुंदर भव्य एंड दिव्य, यहाँ आते ही मन में अति आनंद उत्पन्न होने लग जाता है और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर असीम बनी रहती है, जो कि हमें यहाँ बार बार आने का सुअवसर प्राप्त होते रहता है। माता रानी की जय, मल्लिका माता की जय। आपको फ्रंट कैमरे की तरफ लेकर के जाऊंगा, आगे का मस्त सा भी दिखाऊंगा। तो फाइनली मल्लिका माता रानी के मंदिर में, एक तो ये जो है एकदम टॉप में है, बहुत ही ऊपर। ये हमारे तिवाड़ी जी हाथ पैर धो करके आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और माता रानी के दर्शन करेंगे। हमारे दीपूदा भी यहाँ पहुँचे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। तो सुंदर सा मस्त सा चारों तरफ का आप भी देखें, हरा भरा, जो कि लोग बहुत पैसा खर्च करके यहाँ आते हैं देखने के लिए, है नहीं है। तो हम आप लोगों को वही सब चीज़ YouTube के माध्यम से दिखा देते हैं, जो कि आप लोग सभी जानते ही हैं। हमारे चैनल का नाम नवीन तिवारी ब्लॉग। तो मस्त सा, चलिए अब अंदर जाते हैं, माता रानी के दर्शन कराएंगे आपको। जय माता रानी। दिवाली जी लगी हमारी पूजा आराधना में, और आप लोग करें सुंदर से माता रानी के भक्ति से दर्शन। माता रानी की जय, मल्लिका माता की जय। विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते कंधस्थिताम भीषणाम कन्याम हीकरवालखेटभिलसधस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्रगदासखेटिभिषिकाम चापं गुडं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां सुस्थिरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गे स्मृता रसभीतिमशेषयन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव स्वभां दांसि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तदन्या सर्वोपकारकरणायस्तार्थयुक्ता श्रीभगवत्या दुर्गादेव्ये नमः। मल्लिका माता देव्ये नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमः। तो माता रानी, मल्लिका माता रानी सभी के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, और आपको मल्लिका क्या सुंदर से भव्य से दिव्य से व्यू एकादशी के सुअवसर पर माता रानी के मंदिर में आने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। पीछे का इधर का आप व्यू देख सकते हैं। देखिए इसमें खुमानियां आई हुई है नीचे, खूब सारी देख रहे होंगे आप। अब देखो ये है, देखो ये सारे खूब सारी खुमानियां आई हुई हैं। बंदर काफी रहते हैं तो सारे खा जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ बचा ही रहता है, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप लग रहा है कि ये कितने भयंकर तरीके से लपटे आ रही है। मैं अभी ऊपर खड़ा हूँ क्योंकि नीचे से सीधे एकदम लपटे जो है ऊपर को आ रही है, इससे काफी पेड़ों को भी नुकसान हो रहा है होने को। देखिए हरी हरे पेड़ देखिए किस प्रकार से जल करके भस्म हो गए हैं, कितनी भयंकर तेज लपट की आग। देखिए पूरे हरे पेड़ थे एकदम पूरे जल करके साफ हो गए हैं, कितनी भयंकर लपटे हैं आग की। ये देख सकते हैं हरे पेड़ किस प्रकार चल करके भस्म हो जा रहे हैं। ऊपर वाले का तो सही हो रहा है, सफाई हो रही है हमारे घर में। हमारा जंगल कहते हैं, हम इसको साफ नहीं करते।
पागल था तो आग भी चल के पीने वाला था। यही तो करता है पैदा। ओ उन्हीं बड़ी ना पता देख पुरनी बड़ी ना हो। मैं दिखते हैं जब जब मैं जो क्योंकि 5 साल उम्र में आ गया। बस। भयंकर आग का नजारा देख सकते हैं। अब ये आग यहाँ पर पहुंच चुकी है मल्लिका के पास में, पूरे नीचे से आ रही है बहुत भयंकर तरीके से। अब देखो आप, अब इसको बुझा देख देख सकते हैं आप कितनी भयंकर लपटे हैं। लाइन दे दी हमने लाइन हमने पहले दे रखी है, लाइन साफ है, लाइन काट दी गई है, पुरगुनी आएगा यहाँ से। साथी जी को पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं है, 100% है, 100% है कि ऊपर नहीं आएगा ये। तो दोस्तों देख सकते हैं आजकल चारों तरफ आग ही आग है। फ्रंट कैमरे की तरफ लेकर के चलता हूँ, पूरे जंगल में देख सकते हैं आग लगी हुई है। देख सकते हैं जंगलों में किस तरीके से आग लगी हुई है, पूरी चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई है। दरअसल ये चीड़ के पेड़ हमारे जंगलों में बहुत ज़्यादा हैं, तो चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पूरे जंगलों में चारों तरफ आग ही आग आपको दिखाई देगी बस। और इसके बाद दोस्तों अब जैसा कि मल्लिका से हमारे जाने का प्रस्थान होगा, अब यहाँ से थोड़ी ही देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, एकदम जाने वाले हैं महाराज जी के, वहाँ अंदर जाएंगे, जाकर के प्रसाद इत्यादि सब लेंगे, उसके बाद हम सीधे यहाँ से निकल जाएंगे और फिर उसके बाद मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हमको प्यार देते हैं और बहुत स्नेह देते हैं, हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, शेयर करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसा ही अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखिएगा और माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा करे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। जय माता दी, जय मल्लिका माता। इपुदा आओ। तो दोस्तों अब फाइनली हमारा यहाँ से जाने का प्रस्थान है, हम लोग अपना मतदान करके सीधे माता रानी के मंदिर में आए, और कुछ लोगों ने भी मतदान नहीं किया है, तो ये सभी लोग मतदान करेंगे अपना सुंदर पप्पी सा। और ये बहुत अच्छी बात है, मतदान अपना अपना करना चाहिए। और हमारे पीछे से संजीदा तिवाड़ी जी सभी लोग मस्त तरीके से हाय बोल रहे हैं और सुंदर तरीके से, और सभी लोग प्रसाद ले लिया है। और हम लोग प्रातःकालीन मतदान करके भोलेनाथ के दर्शन करके उसके बाद माता रानी के मल्लिका मंदिर में आकर के यहाँ चाय इत्यादि पी, पूजा वूजा की, उसके बाद अब यहाँ से हमारा जाने का है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, प्रस्थान करेंगे ये हमारे दीपूदा, और वहाँ बाबा जी से हमने प्रसाद वगैरह जैसा कि ये ले लिया है, बाबा जी ने सबको प्रसाद वगैरह दे दिया है और हमने बाबा जी को नमोनारायण करके अब हमारा यहाँ से जाने का है। फिर आपको तो फाइनली अब यहाँ से हमारा जाने का है, अब हम जाएंगे। बहुत लोगों ने भी मतदान नहीं किया, अपना अपना मतदान करेंगे, हम लोग करके आ चुके हैं माता रानी के दर्शन और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके। उधर सामने हिमालय का भी व्यू मैं जैसे कि आपको दिखाऊं, अभी यहाँ पर से थोड़ा पेड़ वेड़ लग रहे हैं तो सुंदर से हैं, सुंदर सा व्यू हिमालय का, जबरदस्त सा व्यू देख सकते हैं हिमालय का, यहाँ से बहुत सुंदर सा व्यू दिखता है। पर अभी थोड़ा बादल वगैरह ज़्यादा है तो इसलिए उतना क्लियरिटी आपके सामने नहीं आएगी, हो सकता है। हाँ हाँ सामने ही ठहरा यार, इतनी गर्मी में भी, जबकि इतनी गर्मी हो रही है, फिकल रहे ना एकदम सामने बहुत टॉप है। हाँ एकदम मुंह के आगे यार, ये देख सकते हैं आप सुंदर सा मल्लिका से हिमालय का व्यू, एक और इतनी आग लगने के बावजूद भी देखिए आप हिमालय का व्यू। अगर यहाँ पर अभी आग नहीं लगी होती तो ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने है स्विट्जरलैंड, एकदम स्विट्जरलैंड यहाँ से दिखता है, स्विट्जरलैंड सा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अभी अब जाएंगे यहाँ से, प्रस्थान करेंगे, फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।